तो देखिए दोस्तों, ये जो है मैंने यहाँ पे ऑर्डर जो है यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में मैंने ये जो वॉच है, दो वॉच है मुझे, दोनों वॉच मैंने एक साथ यहाँ पे बुक किया था, और अब मुझे एक वॉच कैंसिल करना था, लेकिन दोनों ही वॉच जो है यहाँ पे कैंसिल हो गया। ये फास्ट ट्रैक का वॉच है और ये अभी कैंसिल हो चुका है। मैं देखता हूँ कि ये रीऑर्डर रिप्लेस दोबारा से होता है या नहीं होता है। तो चलिए मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ पे नीड हेल्प का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे नीड हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देखता हूँ। और यहाँ पे जो है माय ऑर्डर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे माय ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते देखता हूँ, वाई वाज माय ऑर्डर कैंसिल्ड या आई डोंट वांट कैंसिल का ऑप्शन है। तो चलिए मैं यहाँ पे आई डोंट वांट कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ कि मैं अपने ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना चाहता हूँ। तो देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देखिए आ गया है कि आई एम सॉरी, दिस ऑर्डर कैन नॉट बी शिप्ड एज इट हैज़ बिन कैंसल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कि ये जो ऑर्डर है, प्लीज़ प्लेस ये न्यू ऑर्डर का ऑप्शन आ गया है। तो जो यहाँ पे है दोबारा से न्यू ऑर्डर प्लेस करने के लिए कह रहा है, डू यू स्टिल नीड हेल्प। अगर आप यहाँ पे आपका हेल्प हो चुका है तो यहाँ पे लिख दीजिए यस नो आई एम गुड हो, और अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ यहाँ से चैट करने से, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, माई इशू इज़ नॉट रिसॉल्व। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार ऑप्शन और कोशिश करके देखता हूँ, माई इशू इज़ नॉट रिजॉल्व का ऑप्शन है। तो यहाँ पे है समथिंग इल्स का ऑप्शन है, वेयर माई रिफंड, वेयर वाज माई ऑर्डर कैंसिल्ड, वाई वाज माई ऑर्डर कैंसिल्ड या नो। तो मैंने खुद से कैंसिल किया, तो समथिंग इल्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जो है लिख देता हूँ कि मैं जो है अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे फिर से एक बार ट्राई किया है कि मैं अपना ऑर्डर, तो यहाँ पे फिर से जो है आ गया है मैसेज कि वी आर सॉरी, ऑर्डर्स वन कैंसिल कैन नॉट बी प्रोसेस्ड बाय द सेलर, यू कैन प्लेस ए न्यू ऑर्डर फॉर द आइटम्स, थैंक्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे जो है दोबारा से बोल रहा है कि यहाँ पे जो है ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, तो उसको हम दोबारा से प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए अब नो आई एम गुड का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे नो आई एम गुड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं अपने ऑर्डर को दोबारा से नहीं कर सका, रिप्लेस रीऑर्डर नहीं कर पाया। तो चलिए अब मैं अगर इस ऑर्डर को अगर दोबारा से बुक करना है, तो फिर मुझे दोबारा से इसी ऑर्डर पे जाना पड़ेगा और दोबारा से बुक करना पड़ेगा। तो चलिए साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे इस ऑर्डर को हम बुक कर सकते हैं और कैसे फिर से जो है इसमें डिस्काउंट ले सकते हैं। तो नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो मैं इसको यहाँ से इस ऑर्डर को क्लिक कर देता हूँ और इसी वाले घड़ी पे फिर से क्लिक करता हूँ, और मैं इसको यहाँ से बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इसका जो प्राइस है 537 रुपया पहले भी था, यहाँ पे भी बिग बिलियन चल रहा है आज, तो लोवेस्ट प्राइस इन द ईयर है। तो देखिए 537 रुपया प्राइस है इसका, तो जो इस साल में जो है ये सबसे कम प्राइस है ये 537 रुपया। तो बाय नाउ वाले ऑप्शन पे मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया। बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो है 10-20 रुपया अगर डोनेशन देना है फंड में तो आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ें। अगर एक घड़ी बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी एक है, और दो घड़ी बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी टू है। तो मैं दो घड़ी बुक करना चाहता हूँ, तो दोनों घड़ी का जो ऑप्शन है 1074 रुपया हो गया, और यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से अगर आप बुक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 54 रुपये का जो है कैशबैक हमको यहाँ पे मिलेगा। तो आप यहाँ पे CVV पिन डालेंगे, और अगर आपको UPI से करना है, वॉलेट पोस्टपेड से करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ATM कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग से, और कैश ऑन डिलीवरी कैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन है मैं इस पर यहाँ पे इसी से लेना है, क्योंकि 54 रुपये का कैशबैक है। तो मैं यहाँ पर अपना CVV डाल देता हूँ, और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स ये कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है, आपको यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मेरे नंबर पे एक OTP आएगा, और OTP आ चुका है, तो मैं यहाँ पे OTP डाल के सबमिट कर देता हूँ और कंटिन्यू कन्फर्म एंड पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने दोबारा से जो है उसी ऑर्डर को प्लेस किया, और मैंने गलती से कैंसिल कर दिया, और फिर बाद में मन हुआ कि मुझे वो कैंसिल नहीं करना था। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आप ऑर्डर को कैंसिल करते हैं तो आप सोच समझ के कैंसिल करें, ऐसा नहीं कि फिर कैंसिल कर दें और फिर आप चाहें कि उसी को हमको करना है री ऑर्डर, तो ऐसा नहीं हो सकता। दोबारा से आपको दोबारा से न्यू ऑर्डर ही प्लेस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने आपको लाइव
रीऑर्डर करके दिखाया। फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर डिटेल देखना है तो आपको यहाँ पे फिर से कट पे जाना है और माय ऑर्डर में जाना है तो माय ऑर्डर में आपको यहाँ से फिर से दिखा देगा वही ऑप्शन आपने जो घड़ी बुक किया है। तो नेट यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा है इसीलिए जो है यहाँ पे थोड़ा जल्दी से अपडेट नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फिर से जो है ये रीऑर्डर हो जाएगा। और पहले जो यहाँ पे जो ऑर्डर था पहले वाला ऑर्डर अभी जस्ट मेरे से कैंसिल हुआ है। यहाँ पे रिफंड कंप्लीटेड का ऑप्शन है और मैंने दोबारा से यहाँ डिलीवरी एक्सेप्टेड करा दिया है। दोबारा से यही घड़ी मैंने बुक कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप रीऑर्डर नहीं कर सकते और दोबारा से न्यू प्लेस करना पड़ेगा एक बार कैंसिल करने पर। धन्यवाद।